हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल रुतबा खान किचन। अगर आपने मेरे चैनल रुतबा खान किचन को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं ग्वार की फली की भुजिया। इसके लिए हमने ले लिया है 500 ग्राम हमने ग्वार ले लिया है, जिसको हमने इस तरह से इसके बाल निकाल कर और वॉश कर कर और तोड़ कर रख लिया है। और हमने 10-12 लहसुन की कलियाँ ले लिया है, इसको बारीक चॉप कर लिया है। एक बड़ा टमाटर ले लिया है, इसको भी चॉप कर लिया है। एक बड़ी प्याज ले ली है बड़ी साइज़ की, इसको फाइन चॉप किया हुआ है। चिली फ्लेक्स ले लिया है हमने, 5 से 6 मिर्च का बना लिया है। सॉल्ट ले लिया है अकॉर्डिंग टू टेस्ट। हींग ले ली है। पहले हम फलियों को बॉईल कर लेंगे। फली डालनी है हमने एक बर्तन में, इसमें पानी डालेंगे और बॉईल करने के लिए रख देंगे। इसे लगभग हमें 10 मिनट तक बॉईल करना है। हमने फलियों को बॉईल कर लिया है और ये अच्छे से कुक हो चुकी हैं, ये गल चुकी हैं इस तरह से। अब हम इसे छोंक देंगे। हमने एक कढ़ाई रख ली है, इसमें ऑयल डाल देंगे 1 चम्मच और इसे गरम कर लेंगे। ऑयल हमारा गरम हो गया है, हम लहसुन की कलियाँ जो हमने चॉप करके रखी हुई थी वो डाल देंगे। 2-3 पिंच हम हींग डाल लेंगे। लहसुन को गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। इसी के साथ ही हम डाल देंगे प्याज। और दोनों चीज़ों को हम गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। प्याज हमारी गोल्डन ब्राउन हल्की हो चुकी है। अब हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर और चिली फ्लेक्स ऐड कर देंगे। और टमाटर प्याज को अच्छे से हम भून लेंगे। हमें तब तक भूनना है जब तक हमारे टमाटर गल ना जाए। अब इसमें ऐड करेंगे हम नमक। नमक ऐड करके हमारे टमाटर जल्दी गल जाएंगे अकॉर्डिंग टू टेस्ट। उसे लगातार हमें भूनते रहना है। हमारे टमाटर अच्छे से भुन चुके हैं और ये गल चुके हैं। अब हम इसमें ऐड कर देंगे फलियाँ। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हल्का इसे दबा दबा कर हम फोड़ लेंगे ताकि इसमें जो मसाले हैं वो सब एब्जॉर्ब हो जाएं। हमें इसे अच्छे से भूनना है। अब हम भुजिया को लगभग 5 से 6 मिनट ढककर स्लो फ्लेम पर पकाएंगे। हमारी भुजिया अच्छे से भुन चुकी है। अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और डिश आउट कर देंगे। डिश आउट कर लेंगे हम। हमारी भुजिया बहुत ही टेस्टी बन चुकी है। इस तरह से आप बनाकर खाएं। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और ट्राई ज़रूर करें।